कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और नए एपिसोड पे। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, एक नया वेपन है मेरे पास। नया नहीं है, इसके बारे में तुम्हें शुरू के एपिसोड पे ही बताया था। यह है स्वॉर्ड एंड शील्ड। तो यार मुझे पता नहीं स्वॉर्ड एंड शील्ड वगैरह काम कैसे करता है, लेकिन बस आज मन किया तो सोचा एक बार कोशिश करके देख लूँ। कुछ खास बात नहीं है इस वेपन पे, डिफेंडर सीरीज़ का वेपन है और मैं चाहता हूँ इसको एक बार यूज़ करके देखूँ क्या है क्या नहीं इस वेपन पे। तो यार स्टोरी के क्वेस्ट को कंटिन्यू करेंगे, लीडर से बात करेंगे। तो लीडर कहता है, द टाइम हैज कम, बी रेडी व्हेन यू बोर्ड दैट शिप, ऑल आवर वर्क्स लेड अप टू दिस, इन्वेस्टिगेशंस ऑल पॉइंट टू द स्पॉट, बट वी स्टिल डोंट नो अ थिंग अबाउट व्हाट्स वेटिंग देयर फॉर अस। If you have any doubts about whether you're prepared, any concern about your gear, take care of them now. I have to say though, those Nargigante tracks you and the Admiral found in their reach are worrisome. We don't know where it is or what it's after, but we have to focus on the All Everworm for now. See ya. Once you're ready, say the word. Let's go. Ready to whom? Roger. Are. रेडी हूँ मैं, तो चलो निकल लेते। प्लेयर्स चार, पासकोड ठीक है, फिनिश करते हैं। सेट पासकोड नहीं चाहिए वैसे, पता नहीं ये पासकोड के लिए क्यों आया। लगता है कुछ इतना ज़्यादा ही खतरनाक क्वेस्ट होने वाला है कि मेरे को हेल्प की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। लगता तो नहीं है ऐसा कुछ होगा, बट देखते हैं क्या है क्या नहीं। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है लोडिंग होने में। लगता है बहुत ही बड़े एनवायरनमेंट पे या फिर बहुत ही बड़े बॉस फाइट पे लोडिंग होने वाली है। आई मीन ओल्ड एवर वर्म अगर नाम है तो बहुत ही बड़ा बॉस फाइट होएगा ही होएगा। दिस ओल्ड एवर वर्म फ्रॉम व्हाट वी नो हैज द पावर टू ऑब्लिटरेट इकोसिस्टम्स फ्रॉम देयर वेरी फाउंडेशन। इट्स एबल टू यूज द एवर स्ट्रीम टू ट्रैवल अंडरग्राउंड एंड नो वन नोस व्हेन एंड वेयर इट्स इन्फ्लुएंस विल बी फेल्ट। वर्स्ट केस, this thing really does exist. We must stop it no matter the cost. We don't know what's going to happen out there, but I do know that we will not fail. Okay. Yeah. सूरत शिप से इनके फिक्स्ड अप नाइस। इट्स द वेरी फर्स्ट प्रोटोटाइप एयरशिप, द वन वी बिल्ट व्हेन वी फर्स्ट अराइव्ड। द अदर वंस वर डिसमेंटल्ड बट दिस वन सरवाइव्ड। आई एम हैप्पी दिस ओल्ड गर्ल इज गेटिंग अ सेकंड चांस ऑफ लाइफ। यू आर रियली स्टेइंग? Well, it was our job to open the path. Their job is going to be to finish it. Honestly, I'm just happy we were the trailblazers. All right. Suit yourself. Hey! Take this with you. No. It's yours. We're going together. This may be a fifth fleet assignment, but your master left you something to find. If you don't chase that truth, then it will be lost forever. Come with us. Well? Commission ordered us old timers to sit this one out. But personally, I think you need to go. And we can't have you getting in trouble while they're gone, huh? Uh-huh. All right. Fine. Let's go. Hmm.
go. Take us down. आइलैंड बहुत ही अजीब सा है. ऐसा लग रहा है कि आइलैंड स्पेसिफिकली किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ है. There's no telling what'll happen, so stay on your toes. ठीक है. अगर मॉन्स्टर बड़ा है तो कुछ बड़ा ही पकड़ूंगा मैं. ग्रेट स्वॉर्ड पकड़ लेता हूँ या फिर लॉन्ग स्वॉर्ड. समझ नहीं आ रहा. अच्छा, एक और चीज़. टेस्टिंग सेट वन मैंने एक और सेट बनाया था. बेसिकली मैंने ब्लैक वेल वालहजाक को और थोड़ी बार हंट किया और उससे मैंने उसके दो आर्मर पीसेस क्राफ्ट किए. बट ठीक है, ग्रेट स्वॉर्ड लेके देखते हैं. अगर बहुत बड़ा थ्रेट हुआ तो आके मर के फिर से चेंज करना पड़ेगा. मील कर लेता हूँ सबसे पहले. मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं. एक और बार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. ग्रेट स्वॉर्ड लूँ, लॉन्ग स्वॉर्ड लूँ. मैं एक काम करता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट वेपन है इंसेक्ट ग्लेव. मैं इंसेक्ट ग्लेव का मेन हूँ तो इनसे ग्लेव से ही काम चलाने की कोशिश करता हूँ. एक बार देख लेता हूँ इनसे ग्लेव में मेरे स्टैट्स क्या है. सब कुछ है. हेल्थ बूस्ट भी 3 है, अच्छी बात है. तो चलो यार देखते हैं. कुछ तो भी बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पर आने वाला है. देखते हैं वो क्या हो सकता है. नरगी गांटे. मुझे लगा था कोई बड़ा चैलेंज होगा. नरगी गांटे ठीक है, पहले लड़ चुके हैं. मास्टर रैंक नरगी गांटे हैं तो कुछ नए एक्स्ट्रा मूव्स होंगे, बट कितना ही मुश्किल हो सकता है. सबसे पहले तो मैं इसको करूंगा टेंडराइज. दोनों पंख पकड़ लिए. एक, दो, एक और बार और वॉल बैंक. बढ़िया. हेडशॉट. डॉज रोल. ओके, अभी उसके पास एक नया मूव है. वो अपना डाइव करके कांटे मारता है जमीन के अंदर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. मुझे वो शॉट लगा कैसे मेरे को कोई आइडिया नहीं है. पता नहीं क्या है, तो विकेट बॉक्स था वो. बढ़िया, एक सवारी मिल चुकी है. कोशिश करूंगा इसके सर पे जो है वो लास्ट शॉट लगाऊं. कि देख ही सकते हो यार, इसके हॉर्न्स जो है वो ब्लैक कलर के हैं. इसका ये मतलब है कि ये वो वाला एनर्जी गांट है जिसके हॉर्न्स जो है फुली ग्रोन है. मास्टर रैंक में है तो एक्सपेक्टेड तो होना ही था वो. ठीक है, एक और बार और मारते इस पॉर्क्यूपाइन को. डाइव रोल कर लेता हूं मैं. बहुत ही खतरनाक पोज में खड़ा था वो, देख ही सकते हो. एक और बार
एक और बार फिर से डॉज रोल, नाइस। बहुत सही, नाइस। डेंट आ रहे, बाप रे, बहुत ही खतरनाक मूव था वो। टेंडराइज खत्म हो चुका है, देख ही चुके हो। फिर से कर देता हूं मैं इसको टेंडराइज। डॉज रोल, पूंछ को भी टेंडराइज कर दूंगा मैं। अरे यार, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। खैर कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पावर अप भी मिल चुका है। दूसरे पंख को भी कर देता हूं मैं टेंडराइज। ओ पूरी कोशिश थी, ये सही शॉट था। बहुत ही बुरी तरीके से बचा, मैं देख ही सकते हो। जल्दी से जल्दी हेल्थ पोशन क्राफ्ट। अरे अरे, नरगी कांटे कमजोर, थोड़ी देर कर दी मैंने। खैर कोई दिक्कत नहीं, उसका एग्रो भी खत्म हो चुका है। लगता नहीं है शॉट लगेगा दूर तक। गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही वाहियात जंप था वो। ये शॉट कहां से कैसे आया वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैच पोशन भी लेता हूं जल्दी से। बहुत ही अजीब से हिटबॉक्स है इसके। अरे यार, सर पे अटकने से ये था। बस बढ़िया, बस एक शॉट, नाइस। सर को जल्दी से टेंडराइज कर लेता हूं, नाइस। सही, संभाल ले बिल्ले, नाइस। यार शार्पन भी कर चुका हूं इसी टाइम पे मैं। येलो एक्सट्रैक्ट भी उठा लिया है, नाइस। अट पंखों को फिर से पकड़ता हूं। ये क्या था, वार पंखों पे था ही नहीं, उसने पंखों से हिट ही नहीं किया, लेकिन लगा मुझे पंखों से। अच्छा वो मैंने डाइव रोल कर लिया, उसकी पूंछ को मैं टेंडराइज के बिना मार ही नहीं सकता। बेकार कोशिश फिर से। बेकार कोशिश फिर से। पोशन क्राफ्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अरे यार, जब भी मैं हील करने जाता हूं उसी टाइम पे इसको छकना पड़ता है। हेडशॉट लगा नहीं, यार कोई दिक्कत नहीं, अब लगा।
फिर से मैं उसके पार्ट्स उठाने के चक्कर में था, बट कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो यार उसका एग्रेशन, देख रहे हो? एक शॉट बस, बढ़िया, नाइस। फिर से गुस्सा आ चुका है इसको, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख, नाइस, रेड एक्सट्रैक्ट, वाइट एक्सट्रैक्ट, टेंडराइज, बहुत सही, डॉज रोल और हिट, नाइस। एक और बार फिर से कोशिश करना है, उसका फॉलो अप अटैक मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। खैर कोई दिक्कत नहीं, काफी दूर था मैं उसके, लेकिन फिर भी हिट लग चुका है, बहुत सही वाला। ओहो ओहो, ये मजेदार था। एक और, नहीं अब मजेदार नहीं था वो। फिर से बुरा, थक चुका है एनर्जी घंटे। बढ़िया शॉट, एक और बार, पूरा 360 हो करके मार रहा है ये मुझे। बस हो गया वॉल मैन, कोशिश करूंगा इसकी पूंछ तोड़ दूं। अरे यार पूंछ क्या, नरगी कांटे ही तोड़ दिया मैंने। लूट लेता हूँ मैं इसको, नया एनर्जी गांटे है साइड में, देख ही सकते हो, लार्ज एल्डर ड्रैगन बोन, कोई नई चीज़ मिली नहीं, प्योर ड्रैगन ब्लड ही, ये भी वेलकाना से मिल रखा है, कुछ नया मिलेगा भी? शायद नहीं, क्योंकि कुछ नया इसलिए नहीं मिला क्योंकि शायद एनर्जी गांटे की पहली मास्टर रैंक की लड़ाई थी ये, और मुझे लगता है इसको भी वेलकाना की तरह डेवलपर्स ने मुश्किल बनाया है, और शायद यही रीज़न है कि अभी के टाइम पे इसके मुझे कुछ नए पार्ट्स वगैरह मिले नहीं। शायद इसके और 2-3 लड़ाइयां होने वाली है जितना मेरे को लग रहा है। खैर लड़ाई मजेदार थी, नरगी आंटी की लड़ाइयां हमेशा ही मजेदार ही रहती है, कहीं से भी अटैक करता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन रहता है लड़ाई में। आज के एपिसोड की शुरुआत थोड़े एक्शन से हुई है। ओके, मास्टर रैंक 22 पहुंच चुका हूं मैं, बहुत सही। हंटर अपना थक चुका है, कटसीन शुरू हो गया, मैं अपना मूव ऑन कर लेता हूं। Definitely here.
हाथ है? अच्छा दोनों हाथ है। इसने नरकी कांटे को दबोच लिया। सोच ही सकते हो कि इतना खतरनाक मॉन्स्टर होगा ये। नरकी कांटे से भी काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स है। लुनास्ट्रा है, एओस्ट्रा है, वेल्काना भी कह सकते हैं। उसी के बराबर ही है, ज्यादा खतरनाक ज्यादा वो तो मुझे पता नहीं। हर सक्सेसफुल हंटर के पीछे एक वफादार बिल्ला होता है। मारूंगा कैसे मैं? इंसेक्ट ग्लेव लेकर आया हूं मैं। एटलीस्ट मौका देना चाहिए था कुछ चेंज करने का। इसके लिए तो ग्रेट स्वॉर्ड या तो चार्ज ब्लेड चाहिए मुझे। नहीं भाई, दहाड़ने से ही मेरी हेल्थ कम हो रही है यार। मैं क्या करूं अभी इसका? अच्छा रेड एक्सट्रैक्ट, व्हाइट एक्सट्रैक्ट। बार बार बचा मैं उससे। कूद भी सकते क्यों? अच्छा इसको भी मैं वॉल बैंक दे सकता हूँ, बहुत सही। ओके इसको वॉल बैंक देने से पूरा ही नाइस। तो इसको ऐसे मारना है। हो सकता हूँ, नाइस, बहुत सही। बिल्ले ने इसको पैरालाइज किया। मैं सही बता रहा हूँ यार, अगर बिल्ला नहीं होता ना तो मुझे नहीं लगता मैं कहीं तक पहुंच सकता था। इतना दूर तो आ ही नहीं पाते। ये इतना बड़ा पत्थर का ढेर अगर कूद सकता है तो सबसे जमीन की क्या हालत हो रही है। और उस पत्थर के ढेर को मैं चाकू से मार रहा हूँ, बहुत सही। और बार डाउन कर दिया इसको, नाइस। शायद मैं उसको एक और बार स्वाइप कर रहा है मेरे पे। एक और बार मैं उसको वॉल बैंक दे सकता हूँ। और ये वॉल बैंक वाले एरिया की तरफ ही जा रहा है। नहीं नहीं, 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 नहीं। बच गया।
एक और बार नहीं बच गया। नाइस, थोड़ा मैं इस तरफ फेस कर लेता हूँ ताकि वॉल बैंक के लिए आ जाइए। इधर देख, बहुत सही, नाइस। कितना है उसके ऊपर? बहुत सही। अच्छा हुआ मैंने, ओहो ओहो नाइस। बहुत सही, एक और, नहीं अरे ओहो, सही टाइम पे मैंने डॉज रोल किया इसलिए वो आई फ्रेम काउंट हुआ। नाइस। तो यार वो जो अटैक था ना, वो अपने किन्सेक्ट का अटैक था। तो बेसिकली किन्सेक्ट जब भी किसी को स्टिंग करता है तब वो एक डस्ट इफेक्ट छोड़ देता है, और वो डस्ट इफेक्ट जब भी मैं अटैक करता हूँ तब वो ऐसे ब्लास्ट होता है। बस हमारी लेने की कोशिश, नहीं 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 नाइस। बहुत सही, कर क्या रहा है। ओहो ओ, 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 अरे टेंटिकल्स, नहीं नहीं भगवान है यार, ये तो मॉन्स्टर्स का। ओके, पूछ हो चुकी है टेंडराइस, किनसे कूच कर पूरा था वो। फिर से नहीं, के इर्द गिर्द घूम के देखना पड़ेगा मुझे कि यार ये कामे हमें यहां क्यों मार रहा है मुझे। इसके मूव सेट मेरे को समझ नहीं आ रहे, पावर अप कर लेता हूं। ओके, एक तो इसके शूटिंग फ्लेम्स है जो कि इसकी उंगलियों से निकलते हैं, एक तो स्टॉम्प अटैक है। ओके, अटैक विंडो मुझे किधर मिल रहा है, मैं इसको टेंडराइज कर सकता हूँ? नहीं। ओके, एक तो वाइप अटैक है, अरे क्यों, और एक तो कामयामे का भी है। ओहो, इसके ऊपर भी चल सकता हूँ, बहुत सही। और देख सकते हो यार एकदम सही टाइम पे चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो शार्पनेस है वो कम होने वाला है, और जैसे ही इसको मैं एक स्टन देता हूँ
ये क्या हुआ? स्टैमिना देख सकते हो मेरा, खत्म। इसके ऊपर चढ़ना बेवकूफी थी। जल्दी से शार्पन कर लेता हूँ। नाइस। मुझे लगा था कि मैं उस अटैक को डॉज कर लूंगा हवा में ही। एक और बार। नाइस। बहुत सही। कोशिश करता हूँ इसको एक और बार वॉल बैंक देने की, तो मैं आ जाऊंगा इस ट्रैप के आसपास। अरे फिर से मुझे काम है, हमें हमारा मैं इस ट्रैप के पास कहीं पर तो भी आओ, इसी ट्रैप को खुद ही गिरा दिया। ट्रैप बचा नहीं अभी। और कुछ है क्या यहाँ पर कुछ कर सकते हैं? लेकिन लगता तो नहीं है, मिनी मैप में नहीं दिखा रहा वहाँ पर ट्रैप है करके। सही। ये क्या था? मेरे बिल्ले को मत काट। दैट्स इट यार, अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा है और शायद इसको भी। फिर से शायद काम है हमें यहाँ की तैयारी पे। कोई दिक्कत नहीं। इसको पैरालाइज कर बिल्ले। बंदे की हाइट ही इतनी है कि अगर इसको मारू भी सारे डैमेजेस जो है वो लगेंगे, भले ही मेरी पोजीशनिंग कितनी भी खराब हो। नाइस। बहुत सही। डॉज। सर पे लगी। नाइस। ओहो बहुत ही गंदा डॉज था वो। ये भी तोड़ दूंगा, इनसे को चार्ज कर दूंगा। बहुत सही। बहुत सही। पोजिशनिंग अच्छी थी। नहीं अरे बहुत जल्दी खुश हो गया मैं। काम है हमें यहाँ फिर से। मेरे अटैक्स लग नहीं रहे यार, मुश्किल से कोई भी अटैक मेरा लैंड कर रहा है। इंसेक्ट ग्लिफ शायद सही में इसके लिए अच्छा वेपन नहीं था। डॉज। ये कैसे हुआ? देख ही सकते हो यार, मेरा जो किन्सेक्ट है वो जब जब
किनसे ड्रिल लगा रहा है वो 40-40 का डैमेज दे रहा है। तो मुझे लगता है इसको मारने का किनसे ग्लेव से बेस्ट तरीका किनसे ड्रिल ही है। देख ही सकते हो क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये। ऐसा कैसे कर रहा है ये यार, ये गेम अलाउ कर कैसे कर रहा है ये सब करने के लिए। बांकर बिल्ले को उसने वन शॉट मारा है यार। उप्स, मैं भी वन शॉट होने वाला था वहां पे। अब होने वाला हूँ, पक्के से होने वाला हूँ। देख ही सकते हो खत्म। बहुत सही, स्टन रेजिस्टेंस लेके आना चाहिए था लेकिन नहीं आया मैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, दुख नहीं है इस बात का क्योंकि अभी मैं इसको ग्रेट स्वॉर्ड से पेल सकता हूं। या फिर मैं फ्रॉस्ट क्राफ्ट चार्ज ब्लेड यूज कर सकता हूं। देखते हैं, इसका 1248 डैमेज है और मेरे पास जो चार्ज ब्लेड है 792। चलो यार ग्रेट स्वॉर्ड यूज़ करता हूँ मैं, बेस्ट तरीका ये रहेगा। ऊपर से फ्रॉस्ट क्राफ्ट है तो ग्रेट स्वॉर्ड में मेरे को ज़्यादा डैमेज भी मिलना चाहिए। मील कर लिया है मैंने, तो चलो इस अननोन मॉन्स्टर को पेलने चलते हैं फिर से। पत्थरीला पहलवान, क्रस्टेशियंस की आखिरी उम्मीद। बिना पंख का वाना भी परिंदा। कर दिया इसके पहले हाथ को टेंडराइज। नाइस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को एक स्टेक खाना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरा स्टैमिना मैं देख रहा हूँ बहुत कम है। ओके, इसके पूंछ को भी टेंडराइज करना पड़ेगा। यार ये सही चीज नहीं है। भाग वो रहा है दूर में। अरे क्यों, क्या मैं सही बता रहा यार, ड्रैगन बॉल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये मॉन्स्टर। पहले तो कामे हामे हा, अब स्पिरिट बॉम्ब मार रहा है मेरे को। या फिर कह सकते हैं नेरुटो का रसिंगान भी है ये। नहीं नहीं, नहीं। कामे हामे हा, रसिंगान, स्पिरिट बॉम्ब, बस और क्या बचा है मेरे पास। ओहो यार कुछ भी हो, मेरे पास ग्रेट स्वॉर्ड है। जल्दी से फ्रॉस्ट क्राफ्ट चाहता। अरे क्यों, बढ़िया। एक दो तीन, नाइस। ओ अनएक्सपेक्टेड अटैक था। पूंछ को जल्दी से टेंडराइज कर देता हूँ क्योंकि अगर पूंछ टेंडराइज हो गया तो उसके लोअर लेग्स भी वीक हो जाएंगे। नाइस, इसी टाइम पे खुद को हील भी कर लूंगा। बस्कर भाई कितना स्नान करेगा। आठ इधर आ। ये फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है, देख सकते हो। मॉन्स्टर मेरे हंटर को नहीं बल्कि स्क्रीन को देख रहा है। बहुत सही डॉज था वो। मिट्टी से दूर रहता हूं मैं। किधर आ, नाइस।
बुरा तरीका था वो, यहाँ पर हील करने के लिए जगह है, वो कर लेता हूँ पहले, तो शार्प ही कर लूँगा। नाइस, इधर आप पथरीले पहनवा, हट। अरे कैसे भाई, कितने मूव से इसके। ये ले, एक और ले। अरे यार बस गया मैं फिर से, गया मैं फिर से, गया मैं फिर से। ऑफकोर्स मैं सही बता रहा हूँ यार, स्टन रेजिस्टेंस चाहिए मुझे इसके लिए। चार हिट्स में अगर ऐसे ही स्टन हो जाऊंगा तो खत्म है, बस गेम ही खत्म है। एक काम करता हूँ, आइटम बॉक्स में जा करके चीज़ों को रीस्टॉक कर लूँगा। मेगा न्यूट्रिएंट्स, नाइस। और क्या क्या चाहिए, मैंड्रागोरा भी है, बहुत सही, ठीक है, हीलिंग भी है, सब कुछ है। तो चलते इसको फिर से लड़ने, होपफुली इस बार मार सकूं, लास्ट चांस है इसको मारने का। बस मिट्टी में नहीं रहना है कुछ भी करके। अरे फिर से नहीं, ओके। अब जो मुझे लग रहा है वो स्पिरिट बॉम्ब मारने वाला है मेरे को फिर से। ओके, अब ये भी समझ आ गया कि जब वो स्पिरिट बॉम्ब मार रहा था कैसे। यार क्या निशाने हैं ये, क्या मूव सेट है ये। सर के सामने रहना बेवकूफ़ी होगी, तो इसको बेस्ट है सर्कल करके मारूंगा। हट, लगी नहीं मेरे को, कितना भी स्वाइप कर ले। नाइस, इसके सर को मारूंगा मैं। हाँ देख, इन्हीं आंखों से देख, इन्हीं आंखों से देखेगा अपनी मौत। प्लीज बस एक और चांस, एक ट्रू चार्ज स्लैश प्लीज। मिस्ड, टीसीएस जब भी मिस होता है यार तो बहुत गुस्सा होता है। कंपनी नहीं, ट्रू चार्ज स्लैश टीसीएस। यार छाती से लगी, यार छाती से लगी मेरे को, फिर भी डैमेज गया, ये तो गलत है। नाइस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही ज्यादा सही। को लूट लेता हूं मैं जो भी चीज है ये। चलो यार, मुश्किल था लेकिन हो गया। 30 सेकंड का टाइमर है,
तो अभी ऐसा लग रहा है कि इसके आगे कटसीन आने वाला है। नाइस, क्वेस्ट कंप्लीट। तो यार कट से ही शुरू होता है, मैं मुंह बंद कर लेता हूं। You did it. Wasn't for you, your partner and I would have had to give up our search. Truly, thank you. I'll record everything. This investigation, the old Everworm, all of it. Got your work cut out for you. Ah, that was truly adventure to remember. I have nothing to regret. But now, what do I do? A great woman once told me, you either push forward or go home. There's no time to second guess yourself. You're right. Now that we're done here, I'll have to find a new hobby. Hey, you kids okay? First fleet yahan par aa chuki hai. Any injuries? Dude, you were awesome! Good to see you unharmed. Good work. Bravo! This thing's huge. My word. To think it was metal. The Everstream. What are you guys doing here? It was the Commission's decision to leave this assignment to the Fifth Fleet. But it was my decision that we ought to go. And that's why we're here. You got the job done, as expected. All right, time to head back. ये मरा नहीं। Just another link in the food chain. एक सेकंड के लिए मुझे लगा सभी मिलके लड़ने वाले, बहुत ही मजा आने वाला था, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लूट इतनी ज्यादा नहीं मिली, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हंट कर लेंगे। क्योंकि एक बार कोई भी मॉन्स्टर अगर अनलॉक हो जाता है तो उसको बार बार हंट कर सकते हैं। स्लाइडर अटैक चल, बुरा नहीं है, चलता है।
अभी लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा कट सीन आने वाला है, तो मैं मुंह को बंद ही रखूंगा। Seriously? Yeah. Back there when I couldn't handle the pressure, I realized I wasn't ready. Maybe I'll never be. I just don't know. But sir, you were great out there. I agree. If I was in a dangerous spot, it'd be fine if, you know, you lost your cool and went a little nuts. It shows that you care. Reconsider. Come on, sir. All right. All right. Yeah. Now that it's settled, what's our next job? About that. Unbelievable. The Legiana abnormality, Velcana, and the other Elder Dragons were all linked to the old Everworm. That's all we know. We saw with our own eyes what it did when it rooted itself in the Everstream. But despite our best efforts, I'm afraid we're left with more questions than answers. One thing's for sure, it took its sweet time. Crept in quietly, spread its influence, and then... And when things reach a tipping point, the abnormality starts showing up. Wait, if that's the case, won't the ecosystem eventually just destroy itself? No. That's where Nergigante comes in. What? Natural purification. Nature. It has unique mechanisms to detect irregularities and balance itself. Perhaps against such a large irregularity, that balancing mechanism was in fact... Nergigante! Looks like we still have much to learn. Perhaps our work is just one part of a balancing mechanism. Nature is... so cool. Hey, stop talking and start eating. Time to party! Cheers. We better get ready for our next assignment. The next one? You know what I'm talking about, sir. Nergigante. We're gonna chase that thing until our legs give out. As always, we'll need you. Can't stop now. My work isn't done yet. For helping me discover the story behind this shard, I don't think I can thank you enough. You're really an inspiration. We all look up to you. And we'll need you now more than ever. It's a lot of weight on your shoulders. But remember, I'll be right by your side. Just like in that story, The Tale of the Five. Wherever the star shines, the moon's close by. Now that's settled. Come on, partner! Here's to more adventures! Cheers! Cheers! Been waiting for you. Hope you're ready. Come on.
you're ready. ओके कटसीन के बाद रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया था. प्रीवियसली नोन मटेरियल्स हैव बीन क्लासिफाइड एज शहरा, क्या तो भी नाम था उसका. खैर ओके, अभी क्या करना है अपने को? स्पीक टू द फील्ड टीम लीडर एंड हेड आउट. ठीक है. यू लुक वेल रेस्टेड, डिड यू एंजॉय योरसेल्फ लास्ट नाइट? वी गॉट अ लीड ऑन नर्गिगांटस व्हेयरअबाउट्स. Field team found tracks in the Elder Recess. It's a solid match. Guess it went after feasting on the old Everworm's energy. Mm-hmm. It's likely still there now. Let's find it before it takes off after its next meal. Be quick, don't be hasty. We know what's this thing capable of. Be sure you're well prepared. I'll wait here until you're ready. ठीक है? मैं तो ready हूँ. तो चलो चलते हैं. फिर से लगता है बहुत बड़ा लोडिंग स्क्रीन आने वाला है, क्योंकि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस नर्गिगांटे को मारने के बाद फिर से शायद से कुछ तो भी कटसीन आने वाला है. और लगा ही था एल्डर रिसेस में जाएगा वो, क्योंकि और कोई जगह है नहीं उसके जाने के लिए. वहीं पर उसने गुफा बनाकर बैठा हुआ था. Narcus Gigantus. After it. अच्छा तो मैं गलत था, एल्डर सीरीज में नहीं है, कहीं और है. एक और आइलैंड. Investigate the unknown locale. Okay. Signs of turf war. Nothing can stop us.
बहुत ही नए एरिया पे आ गए ऐसा लगता है। सबसे पहले तो होरोफ्रॉस्ट रीच शायद नाम था उस ग्लेशियर वाले एरिया का, और ये एकदम नया है और एंशिएंट फॉरेस्ट जैसा एरिया है। और ओके तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पर एंशिएंट फॉरेस्ट कोरल हाइलैंड्स भी है, और मैं पक्का बता रहा हूँ यहाँ पर कुछ तो भी बर्फीला एरिया भी होगा। और क्या था, वाइल्ड स्पायर वेस्ट जैसा भी कुछ ना कुछ होगा। किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। अगर नरगी कांटे की दहाड़ है तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने मील भी नहीं किया, ऊपर से ग्रेट स्वॉर्ड आ रहे हैं। सेटअप है कैंप, बहुत सही। नाइस। बहुत ही कन्वीनियंट जगह पे कैंप मिल चुका है। वी गॉट अ कैंप, टाइम टू स्टार्ट डूइंग सम रिसर्च। ठीक है। Those tracks you found contained an odd type of secretion. Acha. It may be unique to this region. Theek hai. To agar nargi gaante se ladna hai to sabse pehle to main insect glaive utha leta hu. Aur yaar ye diablos ka jo armor hai bahut ajeeb lag raha hai mere pe. तो मैं क्या करूँगा ना, आर्मर के इस पीस को एक लेयर्ड आर्मर से चेंज कर दूँगा। तो ये भी बता दो लेयर्ड आर्मर कैसे चेंज करते हैं यहाँ से। लेयर्ड आर्मर का ऑप्शन दिखा नहीं रहा है। लेयर्ड आर्मर का ऑप्शन दिखा नहीं रहा है तो शायद यहाँ से नहीं, सीधे ही बक्से से चेंज कर सकते हैं। फाइंड द सोर्स ऑफ द रोर इन द फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, खाना वाना पी लेते। सोर्स ऑफ द रोर क्या, नरगी गांटी होगा, और कौन हो सकता है। और सामने ही है एकदम। वहां देख सकते हो यार, वाइल्ड स्पायर। अरे इतनी जल्दी तो वाइल्ड स्पायर वेस्ट का भी एरिया वहीं पर था। मुझे ऐसा लग रहा है सारे के सारे लोकेल्स होंगे यहाँ पे। जैगराज भी है। ये वही बग है जिसको थंडर ट्रैप के साथ मिला करके शॉक ट्रैप बनाते, और ये वही बग है जिससे, अरे नरगी गांटे। रैथलॉस, चलो भाई रैथलॉस से लड़ाई होगी फिर से, काफी टाइम हो गया था। अरे नया मॉन्स्टर, बहुत सही। ये पक्के से डियाब्लोस होगा, लगाई था। जमीन के नीचे से एक ही मॉन्स्टर आ सकता है, डियाब्लोस। रैथलॉस डियाब्लोस एक साथ, अब शायद वो तीसरा मॉन्स्टर आएगा मेरे को बचाने। हाँ वही। बहुत ही हीरोइक एंट्री है। Z
Zenoga. Nice. अरे कहाँ गया ज़िनोगर? डरना किससे है मुझे? रिटर्न टू सेलियाना। रिटर्न कैसे करूं? रिटर्न, अरे कैंप तक जाना पड़ेगा लगता है मुझे। अच्छा ये लोग निकल रहे, सही है सही है। रिटर्न टू सेलियाना, सबसे पहले तो कैंप में वापस जाना पड़ेगा। Who could have imagined a place like this? Some is the Wingdrakes even found it. अरे ऑप्शन दिखा भाई वापस। अच्छा लगता है मेन मैप से ही वापस जाना पड़ेगा। खैर चलो वापस चलते सेलियाना। अरे क्यों नहीं जा पा रहा मैं? यह अजीब है, या फिर एक्सपीडिशन को एंड करना पड़ेगा। राइट ऑफ कोर्स। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बग वगैरह था कुछ तो भी। क्योंकि यूजुअली हैंडलर के पास जाने पर या फिर मैप खोलने पर कहीं पर भी वापस जा सकते हैं। Wow, that's some story. Who would have thought a place like that existed? Handler kehti hai. I know. Erathalos was fighting. ladkiyon ki awaaz nahi nikal sakta main. I know Erathalos was fighting a Diablos, and then Zenogar joined in. Really? We were testing how high we could go with the airship. I remember seeing a strange mountain-like shape on the horizon. The Third Fleet wanted to conduct an investigation into it since they had no solid evidence of anything like that existing. But it looks like you guys managed to beat him to the punch. Mm-hmm. From what I'm hearing, the land contains regions that resembles the locales we are already active in. Achha. There's gotta be something fundamentally different about them though. You need to focus on gathering samples from bones and ores so that we can compare them to data we already have. Understood. Handler कहती है, we'll get started right away. Yeah. Field team leader बोलते, was there anything else you noticed that was off? Uh-huh. Actually, we found tracks that have strange composition to them. I never saw anything like them in the world, in the new world or the hinterlands. अच्छा hinterlands में बता दूँ, Horrorfrost Reach की बात कर रही है लोग। They're definitely from a monster, but I couldn't pinpoint what monster made them. I think I have the time to look into those tracks too, if you want. Who knows, if we can analyze those tracks, they might lead us to something big, groundbreaking even. Roger. Understood, I'll leave that to you then. Now that's sorted out, the most difficult part is next. What the heck do we call that place? Let's see. I think I got it. Since you were led there by Nargigante, the Guiding Lands has a nice ring to it. Alright, let's get to cracking the mystery of the Guiding Lands. Let's do this. Look into that Zenogar's first. Don't forget to collect samples from bones and ores while you are out there. Okay, वहाँ पर harvesting का काम ज़्यादा होने वाला है. Alright. You heard that lady. Head out to the Guiding Lands when you're ready. Okay. Expedition in Guiding Lands to find more about the monster and characteristics of each regions. You'll receive master rank points, bahut sahi, for any large monster you hunt in the Guiding Lands, even on expedition. Okay. Them low on health, they will stay around longer. If you faint while on expedition in Guiding Lands, you will receive fewer rewards when hunting larger monster. Okay. Region ke levels hai yahan par. तो बेसिकली गाइडिंग लैंड्स में मेरे को एक एक मैप का लेवल अप करना है, और मैप का लेवल अप कैसे करना है, किसी भी बड़े मॉन्स्टर को मारने पे। वन वर्ड ऑफ वार्निंग एज वन रीजन लेवल इंक्रीजेस एंड चेंजेस द लेवल ऑफ अनदर रीजन मे गो डाउन। ओके
तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी एक रीजन, मान लो एंशिएंट फॉरेस्ट का लेवल जो है मैं बढ़ा रहा हूँ, तो शायद किसी और क्या कहते हैं, किसी और रीजन का या फिर किसी और में आपका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाए। स्पेशल मटेरियल्स कैन बी ऑब्टेंड एल्सवेयर। ओके, गाइडिंग लैंड्स में एक्सक्लूसिव मटेरियल्स है, जो बहुत अच्छी बात है। तो अगर स्पेशल रिवॉर्ड है तो स्पेशल पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो यार, मास्टर रैंक 23 से मास्टर रैंक 45 तक आ चुका हूँ मैं। बहुत सही, इनके पास एक नया क्वेस्ट है अपने लिए, लेकिन वो मैं बाद में करूँगा। तो सबसे पहले ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ गाइडिंग लैंड्स अलोन और एज ए लीडर। तो यार, गाइडिंग लैंड्स के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन द क्वेस्ट बोर्ड क्वेस्ट। ओके, गाइडिंग लैंड्स के क्वेस्ट को अलग से मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। बहुत सही, पोस्ट करता हूँ, लेकिन अभी मुझे गाइडिंग लैंड्स की क्वेस्ट नहीं चाहिए, अभी इवेंट्स में। ओके, तो जैसे ही मैं लेवल 45 पे आया, तो देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें अनलॉक हो चुकी है यहाँ पे, तो शायद इसी का वेट था। लेकिन अभी तक नरगी कांटे का क्वेस्ट अनलॉक नहीं हुआ। खैर, कोई दिक्कत नहीं, और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। चलो जो भी है, क्या करना है अभी। अभी स्टोरी आगे बढ़ाने का मन नहीं है मुझे, तो कुछ ऑप्शनल क्वेस्ट वगैरह कर लेते हैं। हार्बिंजर ऑफ द स्काई तो है कुशाला डाओरा, रॉयल ऑडियंस इन द सैंड, लाइटनिंग क्रैशेस जो कि है किरिन, बहुत ही वाहियात मॉन्स्टर लगता है मेरे को। तो यार, बेस्ट तरीका है, क्योंकि गेम का स्टोरी मॉन्स्टर ऑलमोस्ट मैं ख़त्म कर ही चुका हूँ। आगे और भी मॉन्स्टर आने वाले हैं, जिसके बारे में आगे ही बताऊंगा। तो अभी थोड़े से क्वेस्ट वगैरह कर लेते हैं, और अभी मैं कौन सा क्वेस्ट करना चाहूँगा, नामियाल के कुछ क्वेस्ट सोच रहा हूँ कर लूँ। तो इस बंदे के पास है डिफेंडर कटाना 5, सबसे लोअर लेवल का कटाना है इसके पास। सीक्रेट ऑफ द ऊज, बैरियोथ, इवेंट्स में देखते हैं, पैलेट ऑफ द फ्रॉस्ट। खैर, एक बार देख लेता हूँ मैं किसी और नए वेपन या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है होगी कि नहीं। तो मुझे यार इंसेक्ट ग्लेव के लिए एक अच्छा खासा बिल्ड बनाना है। तो इंसेक्ट ग्लेव के लिए मुझे चाहिए स्टैमिना बिल्ड। फोर्ज इक्विपमेंट में जाऊँगा, आर्मर में जाऊँगा, और स्किल्स से सॉर्ट आउट करूँगा स्टैमिना के मेरे पास कितने कितने स्किल्स है वो देखूँगा मैं। सबसे पहले तो मेरे पास है मैराथन रनर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैमिना सर्च, ये तीन स्किल्स हैं जो मोस्टली स्टैमिना के स्किल्स होते हैं। ओके, मैराथन रनर से शुरू करते हैं। किरीन में मैराथन रनर लेवल 2 है, किरीन अल्फा में, और किरीन बीटा में मैराथन रनर लेवल 2 है, और तीन स्लॉट्स मिल रहे हैं मेरे को अच्छे खासे। डिफेंस बुरा नहीं है मैं बोलूँगा, लेकिन अच्छा भी नहीं है। स्ट्राइकिंग लेगियाना नहीं, ये तो नहीं है। तो यार, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जितने भी क्या कहते हैं स्टैमिना स्किल्स है वो कर लूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा किरीन को हंट करने, लेकिन यहाँ पर जैसे कि साइड पे देख सकते हो, उसके लिए मुझे ग्लैविनस मेंटल चाहिए, क्योंकि किरीन के ऑलरेडी मेरे पास पार्ट्स है। तो एक बार देख लेते हैं ग्लैविनस मेंटल मेरे पास मेल्डिंग टिकट में होगा कि नहीं। अगर याद होगा तुमको, जो कि रेयर मटेरियल्स से उसको मेल्डिंग टिकट्स के साथ मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ। बेल्ट आइटम्स में जाऊँगा और देखूँगा, ग्लैमिनस मेंटल है, और देख सकते हो सेलेस्टियल वाइवन प्रिंट भी है, तो इसको मैं यूज़ कर दूँगा। तो आ गया मेरे पास टिकट ग्लैविनस का, ग्लैविनस का पार्ट। और अभी मैं किरीन का जो हेलमेट है उसको बिल्ड कर सकता हूँ। फोर्ज इक्विपमेंट, आर्मर, किरीन बीटा। तो यार, इसमें मिलता है मैराथन रनर लेवल 2। इक्विप नाउ अभी नहीं चाहिए। आर्मर अब मैं सॉर्ट आउट करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है
ओके, अरे बाप रे, नमियल अल्फा है क्या? हाँ अल्फा है। नमियल अल्फा में मुझे 3 लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहे हैं, नमियल बीटा में मेरे को लेवल 2 तक मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हेलमेट में बना चुका हूँ, तो अभी देखते हैं कि अपने को चेस्ट पीस में कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। लेवल 1 लेवल 2 है यहाँ पे, लेवल 1। तो यार मुझे जो लगता है नामियल के हेलमेट में सबसे ज़्यादा लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन उससे मैं शायद वो खो दूंगा, क्या कहते हैं, मैराथन रनर। देखता हूँ मैराथन रनर 3 मुझे कहीं पर मिलता है कि नहीं। लेवल 2 तो इसमें भी मिल रहा है, इसमें लेवल 1 है। किसी भी एक आर्मर पीस में मैराथन रनर फुल नहीं है, होता तो मज़ा आ जाता, बट अगेन वो ओवर पावर्ड होता। डियाब्लोज में भी अगेन मैराथन रनर 2 है, इसमें भी मैराथन रनर 2 है, किरीन में भी मैराथन रनर 2 है। तो अभी नामियल का मुझे बनाना है, तो उसके लिए फिर से सॉर्ट आउट करता हूँ मैं, सॉरी ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, नामियल अल्फा में है, लेकिन उसमें देख ही सकते हो यार सिर्फ एक ही स्लॉट मुझे मिल रहा है, तो स्लॉट की कमी है यहाँ पे। आगे और देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल 2 है बैरियोथ के आर्म्स के पीसेस पे, लेग्स में भी कॉन्स्टिट्यूशन 2 है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 2 है के मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता नंबर ऑफ स्लॉट्स और स्किल्स के बीच में। लेवल 1 ओडोगेरोन के इसमें, लेकिन ये तो और भी बेकार है। किसी भी बीटा वाले आर्मर पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेवल है वो ज़्यादा नहीं है। ओके नामियल के अच्छा ये भी अल्फा आर्मर है, चलो कॉन्स्टिट्यूशन को मारो गोली। स्टैमिना रिकवरी में देखते हैं, स्टैमिना सर्च कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, फिक्स स्टैमिना डिप्लीशन बाय 50% तक है, काफ़ी अच्छा स्किल है वैसे तो। स्टैमिना सर्च भी देख लेते हैं, पहले ही पावलूमो में मेरे को लेवल 2 स्टैमिना सर्च मिल रहा है, और भी देखते हैं। ओहो तो यार इसमें देख सकते हो आप नार्गाकुगा अल्फा में स्टैमिना सर्च लेवल 2 मिल रहा है, नार्गाकुगा बीटा में, अच्छा बीटा ऑलरेडी है मेरे पास, तो मेरे पास शायद ऑलरेडी स्टैमिना सर्च है। माइंड मेकअप करना मुश्किल है, तो इसका ये मतलब है मेरे पास हेलमेट है और मेरे पास आर्म पीस है, तो अगर मैं किसी तरीके से चेस्ट वेस्ट और लेग्स को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन अपना बढ़ा सकूं, तो वो बहुत सही रहेगा। बैरियोथ में है और टोबी कड़ाची में भी है, टिट्ज़ियाकू में लेवल 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन डिफेंस एक्सट्रीमली लो है। और क्या क्या है वेस्ट पीस में देखता हूँ, नामियल बीटा में सिर्फ लेवल 1 कॉन्स्टिट्यूशन है, बैरियोथ अल्फा में लेवल 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, बैरियोथ बीटा में कॉन्स्टिट्यूशन होगा भी या नहीं, बैरियोथ बीटा का नाम ही नहीं, अच्छा है लेवल 1 है। गलत चीज़ें सर्च कर रहा हूँ मैं, तो छोड़ो जाने देते हैं। सबसे पहले तो चेंज इक्विपमेंट, मैं जाऊँगा अभी किरीन हॉर्न्स के लिए, मैराथन रनर है, अच्छी बात है। नेक्स्ट नार्गाकुगा डियाब्लोस की जगह कौन सा था वो, मैराथन रनर ले लिया, दूसरा वाला कौन सा था मैं भूल गया, आई गेस वो था
यहाँ पर भी नहीं। क्विक शीट, स्टैमिना सर्च ही, अच्छा वो ऑलरेडी नारगा कुगा के उसमें था। तो यार चलो डियाब्लोस का इक्विपमेंट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास क्या है, स्टैमिना सर्च लेवल 2 है, मैराथन रनर लेवल 2 है। तो डियाब्लोस का ये मैं चेंज करूँगा और इसको डालूँगा मैं ईवेड एक्सटेंडर पे, तो अच्छा खासा उसमें ये भी एक्सटेंडर मेरे को मिल जाएगा। और नारगा कुगा का ट्रिपल आर्मर का स्किल बूस्ट भी मेरे पास रहेगा। तो ठीक है यही करते हैं चेंज, क्योंकि सब कुछ अभी मैं क्या कहते हैं जेम्स वगैरह भी बदलने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डालूँगा 3 लेवल्स ऑफ हेल्थ बूस्ट। हेल्थ बूस्ट कितना है मेरे पास, हेल्थ बूस्ट 0 है, तो 1 2 और ये 3, लेवल 3 हेल्थ बूस्ट आ चुका है मेरे पास। अब देखते हैं और क्या क्या चाहिए। मैराथन रनर मेरे को 1 पॉइंट चाहिए, तो ढूंढता हूँ मैं वही, स्किल्स में जाऊँगा अगेन, मॉन्स्टर हंटर का गेम ये चीज़ उसमें बड़ा अजीब सा लगता है मुझे कि काफ़ी टाइम तक जो ढूंढ रहे होते हो वो तो यूजुअली मिलता नहीं है। काफ़ी चीज़ एक्चुअली कूल मैथ गेम्स है और 50% हंटिंग है, 50% मैथ्स है। खैर जो भी है, लगता तो नहीं है कि मेरे पास मैराथन रनर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखता हूँ किस किस में, फिजिक 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 सब में 1 लेवल कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है। स्टैमिना सर्च देखता हूँ, ओके रिफ्रेश इवेजन ज्वेल, तो इसमें स्टैमिना सर्च मेरे को ट्रिपल बूस्ट मिल जाता है तो मैं ये उठा लूँगा। ओके और देखते हैं क्या है, क्योंकि फायर वाला वेपन है मेरे पास तो शायद फायर अटैक का अगर मैं कुछ ज्वेल उठा लूँ तो वो अच्छी बात है। हेल्थ बूस्ट है, ईविड एक्सटेंडर है, ईविड एक्सटेंडर में और देखता हूँ क्या क्या है। जंपिंग फिजिक ठीक है बुरा नहीं है, लेकिन एक और भी चीज़ है जो मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे, थोड़ा डैमेज वगैरह का भी स्किल्स देख लेते हैं क्योंकि डिफेंस वगैरह तो बहुत हो ही गया है अभी अच्छा खासा। सबसे पहले मैं सर्च करूँगा टेंडराइजर स्किल के लिए, मिल नहीं रहा मेरे को, यूजुअली वो रहता है क्रिटिकल आई के साथ। अजीब बात है यार, ड्रैगन पॉइजन क्रिटिकल आई, तो क्रिटिकल आई है लेकिन उसके अलावा और कुछ है नहीं मेरे पास, ना तो मेरे पास क्या कहते हैं वीकनेस एक्सप्लॉयटेशन का कुछ है जो कि शायद एंजनाथ का आर्मर स्किल है। तो क्रिटिकल आई मैं उठा लेता हूँ एक्सपर्ट ज्वेल, और भी देखते हैं क्या क्या है। फोकस की ज़रूरत नहीं है इंसेक्ट ग्लेव के लिए, पावर प्रोलोंगर अच्छा रहता है इंसेक्ट ग्लेव के लिए, तो जितने बचे हैं उससे मैं सोच रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन उठा ही लो एटलीस्ट, मतलब 20% मेरे को रिडक्शन मिल जाएगा स्टैमिना में। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा जंपिंग फिजिक, और क्या है और क्या है, रेजिस्टर फिजिक भी ठीक है, एक और उठा लेता हूँ। फोर्टिट्यूड फिजिक चलो ये भी उठा ही लेता हूँ, क्या है, और इसमें भी अगर ट्रिपल बूस्ट मिल चुका है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक और भी उठा ही लेता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन और है ही नहीं यार मेरे पास ज्वेल, ज्वेल की मात्रा मेरे पास बहुत कम है, बट ठीक है इसी को मैं सेव कर दूंगा अभी नए इक्विपमेंट के बॉक्स पे, स्टैंडर्ड आईजी इसी को मैं रिप्लेस कर दूंगा। चलो यार ये हो चुका है, तो साइड में देख रहे हो एल्स जी हैज़ डिपार्टेड ऑन एक्सपीडिशन टू द गाइडिंग लैंड्स, तो चलो गाइडिंग लैंड्स में एक्सपीडिशन में कुछ लोगों को ज्वाइन करा जाए। SOS सिग्नल है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्राई करते हैं, ना कुछ भी नहीं है।
तो खुद ही निकलते गाइडिंग लैंड्स में और देखते हैं वहां पर क्या नया चीज है। बैरोथ है, ग्रेट जागराज है, पुके पुके है। तो यार जैसे कि गाइडिंग लैंड्स में बताया गया हर चीज से एक नया इक्विपमेंट मिलेगा, एक नया कुछ तो भी मॉन्स्टर पार्ट मिलेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी सब मॉन्स्टर को मारने वाला हूँ मैं, ग्रेट जैगराज को, पुके पुके को और बैरोथ को। और मारूंगा नहीं, मैं कैप्चर करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए उनका क्या कहते हैं जो भी रेयर पार्ट वगैरह कुछ तो भी है। ओके, साइंस ऑफ अ टर्फ वॉर वो एग्जामिन्स करना है, फेरोमोन्स टू लेयर आउट मॉन्स्टर, ओके मॉन्स्टर बुला भी सकते हैं, ट्रैक्स कैन ऑल्सो बी फाउंड बाई क्रेविंग और कैप्चरिंग, ठीक है, एनालाइज मल्टीपल स्पीशीज, चेक स्पेशल ट्रैक्स, ओके। स्ले करने से एनालिसिस का प्रोग्रेशन बढ़ता है, लार्ज मॉन्स्टर पार्ट्स, ओके, टेम्पर्ड मॉन्स्टर ढूंढने मेरे को, बहुत सही। तो सबसे पहले खाना खा लूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा मेरे पास कैप्चर करने के लिए कुछ बचा कुचा है कि नहीं। आइटम बॉक्स मैनेज। और यार क्योंकि अभी गाइडिंग लैंड्स पे हूँ, मैं ग्रेट जैगराज को भी कैप्चर करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ग्रेट जैगराज भी देख ही सकते हो यार, एक ही ट्रैप टूल है मेरे पास, तो कैप्चर करने का मौका नहीं है। तो अभी एक ही चीज़ बचता है कैप्चर नहीं कर सकते, तो जो दिखे उसको ख़त्म करो। तो इसी के साथ, इसी साइकोपैथिक आइडिया को लेकर चलते हैं गाइडिंग लैंड्स पे। और मुझे ऐसा लगता है गाइडिंग लैंड्स के मॉन्स्टर वगैरह ज़्यादा एग्रेसिव भी होंगे, बैरोथ फुटप्रिंट्स, इनको तो मारूंगा मैं। नाइस, ग्रेट जैगराज के फुटप्रिंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हो यार कुछ क्रिस्टल्स है यहाँ पे, इनको फार्म कर लेता हूँ। नया मटेरियल मिला है, बहुत सही, देखते हैं इससे क्या क्या क्राफ्ट हो सकता है और क्या क्या है। जैगराज, जैगराज भी आ चुके हैं, इनको देखता हूं क्या है इनके पास क्या नहीं। जैगराज शार्ड, कुछ नया मटेरियल लग नहीं रहा ये। ओहो देखो कौन आया है, जगरोसी एक दो, वॉल बैंक नहीं होगा लगता है, अच्छा हो गया, नाइस। जगरोसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ओहो, इवन जैगराज ने भी नया मटेरियल दिया यार, रगेड मेन देख ही सकते हो। मटेरियल उठा लेता हूं मैं और कर लेता हूं अपने किन्सेक्ट को चार्ज। लगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अरे नीचे, ओके ओके ओके, यहां से मैं भी नीचे निकल सकता हूं वैसे, चलो अच्छा, एटलीस्ट गेम एक फेयर फाइट दे रहा है। लेकिन जैगराज कहां गया यहां से, अजीब है यार इतनी जल्दी वो इतना दूर का डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। जैगराज दिखता मोटा है लेकिन है बड़ा फुर्तीला। मुझे लगा हेडशॉट मिलने वाला था। इसको एक और बार वॉल बैंक दे सकता हूं मैं,
जैसे कि देख ही सकते हो इसका जो एग्रो है वो ऑलमोस्ट, ओहो देखो कौन आया इधर पे। वैसे क्योंकि दोनों को मारने वाला हूं मैं, वो फियर्स ड्रैगन मेन बोर्ड बहुत सही। अरे यार सब एक साथ आ गए, पूरी पार्टी मौजूद है इधर पे। अब ये या तो एक दूसरे से लड़ेंगे या तो मुझसे लड़ेंगे। ऑफ कोर्स सब एक साथ है, सब सबकी दहाड़ भी एक साथ ही आएगी। देख ही सकते हो यार ये लोग तो बस मटेरियल फेंके जा रहे हैं बस। जागरास आगे की तरफ निकल गया तो सबसे पहले उसी को खत्म करके आता हूँ, उसके बाद इन दोनों से निपटूंगा। व्हाट्सअप व्हाट्सअप नोटिस सेनपाई। इधर देख जागरास से मैं मार खाया, वो भी मास्टर रैंक लेवल पे फिर से मार खाया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ मटेरियल से यहाँ पे उठा लेता हूँ मैं इनको। और शायद मास्टर रैंकिंग में ये एक चीज है कि मॉन्स्टर अपने प्लेसेस बड़े चेंज करते हैं। मेरे को वाटर ब्लाइट लग चुका है अभी, देखते हैं मेरे पास नलबेरी है कि नहीं। नलबेरी नहीं है मेरे पास, नलबेरी नहीं है मेरे पास, क्यों नहीं है मेरे पास नलबेरी। बट खैर जगरास को मारने के लिए नलबेरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार जब भी इसको मैं स्टन कर रहा हूँ ये कोई ना कोई तो नया मटेरियल देख रहा है। बहुत सही थैंक्स बिल्ले। कुछ भी बोलो यार शायद गाइडिंग लैंड से मॉन्स्टर की जो हेल्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज तो है, देखकर ही लग रहा है मेरे को। ओहो कितनी सारे मटेरियल्स है यहाँ पे। ये मोटा काफी देर तक पड़ा है जमीन पे। पावर अप फिर से ले लेता हूं मैं। नाइस वॉल बैंक नाइस। रेड जैग्रास और भी मटेरियल वगैरह फेंक के गया है। तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ जब भी मैं इनको वॉल बैंक दे रहा हूँ वो कुछ ना कुछ तो नया मटेरियल फेंक के जा रहे हैं। नाइस। और जब भी ये गिर रहे हैं कुछ ना कुछ नया मटेरियल मेरे को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि गाइडिंग लैंड्स में मेरे को चीज़ें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बुरा मूव नहीं था जगरू। तो यार सोच ही सकते हो, अगर गाइडिंग लैंड में ग्रेट जगरोसी ही इतना डैमेज कर सकता है तो बाकी ये मॉन्स्टर क्या हाल करेंगे। ओके जगरोसी खत्म। तो अब क्या है, अब चलते पुके पुके के पास कि इसके बाद पुके पुके ही है जो थोड़ा बेटर मॉन्स्टर है। लेकिन पुके पुके के लिए मैं वेपन चेंज करना चाहूँगा। लॉन्ग सॉर्ड यूज़ करूँगा इस बार। कैन नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग कॉम्बैट। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। ऑफ कोर्स बैरोथ भी इधर पे है, देख ही सकते हो। और एक कीचड़ पे लोट रहा है खुद को। टेक्सचर भी चेंज हो गया उसका उसी हिसाब से। बहुत ही छोटा डिटेल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। चेंज इक्विपमेंट और स्टैंडर्ड LSC उठाऊंगा मैं, अभी तो कुछ है नहीं उसके अलावा ज़्यादा। ओके पुके पुके की तरफ जाना है और मुझे लग रहा है पुके पुके अभी मैप के हिसाब से तो वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे है, बैरोथ के पास। बहुत ही अजीब बात है टू से द लीस्ट, बट ठीक है। ओके हनीज वगैरह है मेरे पास, थोड़े हर्ब्स वगैरह उठा लेता हूँ। ओके यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो भी आइटम मिले बिल्कुल ही नए आइटम मिले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गाइडिंग लैंड्स में जितने भी आइटम हैं सारे ही आइटम्स एकदम ही नए तरह के आइटम्स हैं, जितने भी गैदरिंग पॉइंट्स हैं और जितने भी हार्वेस्टिंग पॉइंट्स हैं। इनफैक्ट मॉन्स्टर से भी अलग ही तरह का मटेरियल मिल रहा है हर बार। तो पक्के से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे, जो शायद आगे क्या कहते हैं आगे लेवल अप करने में हेल्प करे, चाहे वो आर्मर हो चाहे वो वेपन हो। ओके पुके पुके यही आसपास है और ऐसा लग रहा है यहाँ पर ऊपर चढ़ते ही मेरे को पुके पुके मिलेगा, देख ही सकते हो। लेकिन इससे पहले हार्वेस्ट कर लेता हूँ मैं फिर से। बोन पाइल, बोन पाइल कहाँ पे है? मुझे कहीं पर तो भी बोन पाइल का निशान दिखाया गया था। ओके देख ही सकते हो यार कितने अच्छे से कैमोफ्लॉज हुआ पड़ा है बोन पाइल बैकग्राउंड के साथ। अगर कोई बंदा यहाँ से जा रहा है उसको पता भी नहीं चलेगा ये बोन पाइल क्या कहते हैं एनवायरनमेंट का हिस्सा है। खैर ठीक है, डेवलपर्स की मर्जी, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। ये देख पुके पुके कौन खड़ा इधर। फोरसाइट कॉम्बो, कोई दिक्कत नहीं, इस कॉम्बो कंप्लीट हुआ। इसके पास आने का वेट करता हूँ, जैसे ही पास आएगा मैं वॉल बैंग मारूंगा इसको। नाइस जहर का असर हो चुका है मेरे पे, बट कोई दिक्कत नहीं है। पूरे शरीर को ही टेंडराइज कर दूंगा ताकि अंधाधुन कहीं पे भी मार सकूं। शायद पैरों को भी टेंडराइज करना पड़ेगा इसके। कर सकते क्या? हाँ कर सकते। नाइस अरे यार भागते हुए शायद मैं अटक जाता हूँ। बहुत सही। अरे यार फिर से नहीं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पिरिट चार्ज एकदम हो चुका है और मैं लगाऊंगा इस। अरे यार नहीं, फोरसाइट फिर से, हेल्म ब्रेकर की तैयारी, बढ़िया। पार्ट ब्रेक आया है और पार्ट ब्रेक जैसे यहाँ देख सकते हो नीचे दो और आइटम्स मिले पड़े हुए मेरे को, तो यार ये बहुत सही चीज़ है, ये सिस्टम मेरे को अच्छा लगा। इतने ज़्यादा लूट तो नॉर्मल हंट्स के बाद भी नहीं मिलती थी जितनी एक बार में गाइडिंग लैंड्स में मिल रही है। अरे कैसे, ओ नीचे भी रास्ता है, नाइस। खैर इस रास्ते को बाद में छानबीन, अरे उस स्मोक से देख ही सकते हो क्या मतलब हो सकता है उसका, रॉटेन वेल। खैर उसको बाद में देखेंगे, फिर भी अभी तो मैं चलना चाहूँगा पुके पुके के पास, यहीं पर है पुके पुके। ओहो यहाँ पर भी देख सकते हो रॉटेन वेल है यहाँ पे, ये पंखों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा मेरी समझ कभी नहीं आएगी, कहाँ लेके जा रहा है ये मुझे। अच्छा पुके पुके निकल चुका है, हाँ खैर कोई दिक्कत नहीं यार। चलते हैं अपने कैंप पे और देखते हैं क्या कहना है अपने हैंडलर का। अरे अच्छा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करना है, बहुत सही। तो यहाँ पर ज्वेल्स भी मिलते हैं और मॉन्स्टर पार्ट्स भी मिलते हैं, नाइस। और यहाँ पर बेस ज्वेल एलिमेंटलेस फोर्टिट्यूड अटैक, ठीक है यार बुरे ज्वेल्स नहीं है, काम चलाऊ है। पहली को लेवल इंक्रीज हो चुका है। ओके तो गाइडिंग लैंड्स का यार यही है बेसिकली, गाइडिंग लैंड्स जो है ग्राइंडिंग लैंड्स है और तुम देख ही सकते हो ऊपर जो एनालिसिस प्रोग्रेस है, फैंग्ड वाइवर्न का 3 लेवल हुआ है, ब्रूट वाइवर्न का 1 लेवल हुआ है, तो लगातार ग्राइंड करना पड़ेगा। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही, ग्राइंड करना शुरू करते हो अगले एपिसोड पे। तो आइसबॉर्न की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आज के आइसबॉर्न के मॉन्स्टर तुमको कैसे लगे, शहरा इशवालदा जो फाइनल बॉस मॉन्स्टर था वो तुम्हें कैसा लगा, नया नरगी कांटे कैसा लगा और ये नया मैप कैसा लगा। इसी के साथ मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ और मैं तुमसे मिलूँगा मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पर।